अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले ब्रेकफास्ट स्पेशल में अंडा पराठा, अंडा क्रिस्पी पराठा होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हैं अंडा पराठा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें जाएगा 2 चम्मच थोड़ा सा नीम गरम तेल, हल्का गरम है ये तेल। इसमें 2 चम्मच तेल चले गए, और अब मैं इसे धीरे धीरे गून लूँगी पानी डाल। तो देखिए ये तैयार है हमारा सॉफ्ट डो, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो बनके तैयार हुआ है। ये देखिए अभी मैं इसे साइड में 5 मिनट के लिए रखती हूँ, और बढ़ते हैं हम हमारे अंडे की तरफ। देखिए एक चॉपर में मैंने कुछ धनिया ले लिए हैं, और ये लगभग 1 गड्डी ओनियन है, और 2-3 हरी मिर्चें हैं। तो मैं इसे पहले चॉप कर लूँगी हमारे अंडों में डालने के लिए, और इसमें मैं डालूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसे चॉप करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से बारीक से चॉप कर लिया है। अब मैं इसे निकालती हूँ एक बोल में, ट्रांसफर कर लेती हूँ इसे, और अब मैं इसमें डालूँगी 2 अंडे। इसे फेंटना है जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं उसी तरह से, बस इसे फेंटना है। ये आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं अच्छे से, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, खास करके बतूल बहुत शौक से खाती है। देखिए अभी हमें इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग हम इसके पेड़े काट लेते हैं फटाफट, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके लच्छे कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे लच्छा पराठा, वो भी एग के साथ। तो मैं फटाफट इसके पेड़े काट देंगे। देखिए यहाँ पे बतूल बैठी है, बतूल को यही अच्छा लगता है, जहाँ मैं होती हूँ वहीं बतूल होती है। तो मैंने ये फटाफट फटाफट पेड़े बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेड़े बन गए हैं अच्छे से। अब मैं इसे टक करूँगी अंदर। देखिए एक ब्रेड ले लिया मैंने, और इसे हम अच्छे से अपनी खुशकी में लगाएंगे, और इसे बतूल हाथ हटा बटा। देखिए एक रोटी मैंने अच्छे से बड़ी बेल ली है, और मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने घी डाला है। अभी इसको घी को अच्छे से मैं स्प्रेड करूँगी पूरी रोटी में, हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये मैंने घी अच्छे से स्प्रेड करी, और ये मेरे पास कुछ काली तिल है, ये मैं इस पर स्प्रिंकल कर लूँगी। अगर आप डालें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, पर मैं ये थोड़ा सा डालती हूँ। या अगर आपके पास कलौंजी हो तो आप कलौंजी भी डाल सकते हैं इसमें, कलौंजी से भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमें इसे अच्छे से फोल्ड करना है। बेसिकली हमें इसे लच्छा पराठा बनाना है, तो मैं इसे अच्छे से इसे रोल 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 करती जाऊँगी। अब ये मेरा रोल बन गया है, अब मैं इसे यहाँ से भी रोल करूँगी। पेड़े का पेज बन गया है, और अब मैं वैसे ही सारे पेड़ों को भी पेज बना लूंगी। देखिए ये सारे पेड़े हमने बना लिया है पेज वाले पराठे, और अब हम इसे अच्छे से बेलेंगे। ये तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, और रोटी भी हमारी बेल चुकी है, जैसे अभी हम इसे अच्छे से रखेंगे और एक साइड से पकाएंगे जब तक मैं दूसरी रोटी बेल लेती। देखिए मेरी एक साइड से अच्छे से सिक गई थी, तो मैंने इसे पलट लिया। फ्लिप करने के बाद में मैंने एक अंडे का लेयर इसके ऊपर लगा दिया था, तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे और अच्छे से पकाऊंगी। और मैं यहाँ पे भी थोड़ा ऑयल डालूंगी थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए, घी डालूंगी। आप चाहे तो इसे ऑयल में घी में किस तरह से भी बना सकते हैं। तो हमें इसे हिलाना नहीं है अभी, पहले इसे अच्छे से सेकना है नीचे से, वरना फिर हमारा अंडा पराठे से छूट जाएगा ना। इसके लिए अब हमारा नीचे से भी थोड़ा पक गया है, तो हमने ये ऊपर जो घी डाला था इसे भी थोड़ा हम पकाएंगे अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। देखिए कैसे फूल रही है हमारी पराठे, अच्छे से फूल रहे हैं, यानी ये अच्छे से अंदर तक पक चुके हैं। तो ये अब हम इसे निकाल लेंगे। वैसे ही मैं ये
भी डाल दूंगी और इसी तरह से हम ये सारे बना लेंगे। देखिए इस पराठे को मैं आपको डबल साइड करके दिखाती हूँ। डबल साइड में हम लगाएंगे अंडे, अंडे की लेयर डबल साइड में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर घी डालेंगे, सेम प्रोसीजर वैसे ही होगा, बस हमें इसे डबल साइडेड करना है ना। तो ये हमने घी लगा दिया और अब हम इसका एग का बैटर डालेंगे इसमें। तो बस अब ये नीचे से पकेगा तो हम इसे ऊपर से भी इसे टर्न कर लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारे अंडे के पराठे, कितने अच्छे और क्रिस्पी हुए हैं। और अगर आप चाहें तो इसे सिंगल साइड भी लगा सकते हैं या तो डबल साइड भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट, और इसकी परतें देखिए गरम है थोड़े। अब मैं इसे टेस्ट करूंगी। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने हैं। अब बतुल भी टेस्ट करेगी ना बतुल? तो देखिए इसी तरह से आप बनाइए और अपने नाश्ते में या शाम की चाय वाय में बनाइए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बने हैं। तो अगर आप इसे पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मैं उस दस्तर पर आओ बेटा।